हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फलों के राजा को लेकर है। आप सब तो जानते ही हैं फलों का राजा आम है, और आम का सीजन भी आ गया है। जैसा कि मुझे लगता है इंडिया में 90% लोगों को आम खाना पसंद है, और क्यों ना हो, आम के वैरायटीज ही इतनी सारी होती हैं। तो आम जितना ज्यादा खाने में हेल्दी होता है, उससे कहीं ज्यादा ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम मैंगो की हेल्प से 3 फेस पैक बनाने वाले हैं, जो आपकी स्किन को इस समर में डलनेस, सनटैन और वो सारी प्रॉब्लम्स जो समर में आपकी स्किन को परेशान करती हैं, उनसे राहत दिलाएगा। तो आइए फेस पैक बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला फेस पैक उन लोगों के लिए है जो फेस पर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं और चाहते हैं उनकी स्किन ग्लो भी करे। तो इस फेस पैक के लिए सबसे पहले हमें मैंगो का पल्प चाहिए। तो हम आम को कट कर लेते हैं और फिर उसके पल्प को निकाल लेते हैं। अब मैं मिक्सी की हेल्प से इसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लूँगी। मैंगो पेस्ट रेडी भी हो गया है। तो इस फेस पैक के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है: मैंगो का स्मूथ पल्प, व्हीट फ्लार, गेहूँ का आटा और दही। अब आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून व्हीट फ्लार, गेहूं का आटा, 1 टेबल स्पून मैंगो पल्प और 1 टेबल स्पून कर्ड दही ऐड कर लीजिए। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। फेस पैक लगाने के लिए स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है। फेस पैक लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लें। मैं भी वॉश कर लेती हूँ और आपको वाइप से पोंछकर दिखाती हूँ कि मैंने अपने फेस पर मेकअप किया है या नहीं किया है। अब आप वाइप्स को देखिए, इसमें बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। तो याद रखें, जब भी आप फेस पैक लगाएं तो बिल्कुल भी आपके फेस पर मेकअप ना हो, क्योंकि अगर मेकअप रहेगा तो ये फेस पैक आपकी स्किन पर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। इस फेस पैक को लगाने से आपकी स्किन काफी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है, क्योंकि आम में विटामिन ए और सी होता है जो हमारे स्किन कलर को फेयर कर देता है और नए सेल्स को जनरेट करता है। पिगमेंटेशन और सन टैन की प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाती है। देखिए, मैं अपना फेस पैक अब पूरा लगा चुकी हूँ, और फेस पैक लगाने के बाद बातें ना करें, क्योंकि स्किन पर रिंकल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को धो लें। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही है। इस फेस पैक को आप वीक में 3 बार लगा सकते हैं, आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। नेक्स्ट फेस पैक उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।